हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, क्योंकि फ़ोटोग्राफी मेरा पहला प्यार है, मेरा पैशन है, हमेशा से रहा है। और मुझे फ़ोटोग्राफी बहुत ज़्यादा पीस देता है, बहुत ज़्यादा शांति देता है, तो बहुत पसंद है मुझे फ़ोटोग्राफी। उसके लिए आप लोग मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाके देख सकते हैं। और अभी मैं हूँ बिरला रोड पे, जो बिरला विद्या मंदिर है नैनीताल में। बहुत अच्छा स्कूल है, CBSE बोर्ड का बॉयज़ स्कूल है, रेजिडेंशियल स्कूल है, तो और बिरला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस से कनेक्टेड है। तो मैं हूँ अभी उसी रोड पे, और यहाँ से व्यू आपको दिखाती हूँ सेंट जोसेफ्स कॉलेज का। वो एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर कई शूटिंग्स भी हुई हैं, तो चलिए साथ में बने रहिए। तो देखिए, मेरे ठीक सामने हैं, ये आप देख सकते हैं ऊपर, ये है सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट। यहाँ का बहुत ही अच्छा कॉन्वेंट स्कूल है बॉयज़ के लिए, डे बोर्डिंग है, और यहाँ पे कई सारी फिल्म्स की और वेब सीरीज़ की शूटिंग भी हुई है। कोई मिल गया से लेके कैंडी, ब्रीथ, ये सब शूटिंग्स यहाँ पे हुई हैं। तो काफ़ी पॉपुलर स्कूल है और काफ़ी अच्छा स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। और वैसे भी नैनीताल एजुकेशन हब माना जाता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे सारे स्कूल्स हैं पढ़ने के लिए और बहुत सारे अच्छे कोर्सेज भी हैं। तो चलिए साथ में बने रहिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मौसम थोड़ा सा हेज़ी है, और ये रोड जो है ये जाती है बिरला स्कूल की तरफ और स्नो व्यू की तरफ भी। तो आप देख सकते हैं ये रोड, बड़ी खूबसूरत सी ये रोड है, थोड़ा सा गड्ढे हैं इसमें, थोड़ी ख़राब स्थिति में है, लेकिन है बहुत अच्छा। यहाँ पे जंगल से घिरा इलाका है पूरा, और लेपर्ड साइटिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है शाम के टाइम पे, ख़ास तौर पे विंटर्स में। तो अभी शायद इस टाइम तो कोई ख़तरा है नहीं, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कितना हरा भरा जंगल वाला इलाका है ये, देखिए। नैनीताल की एक बड़ी ख़ास बात है ये कि आप नैनीताल के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ पे आपको नेचर और ख़ूबसूरती की कोई कमी नहीं मिलेगी। हर जगह नैनीताल की बहुत खूबसूरत है, आप नैनीताल के किसी भी कॉर्नर में जाइए, आपको वहाँ खूबसूरती मिलेगी, एक अलग तरह की ब्यूटी मिलेगी, और बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा है अभी। तो आप लोग जब भी कभी नैनीताल आएँ, तो यहाँ की मॉर्निंग्स ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा, क्योंकि दिन में तो सभी घूमते हैं, लेकिन जो मॉर्निंग्स हैं नैनीताल की वो बेहद ही खूबसूरत होती हैं। खैर, मॉर्निंग क्या, इवनिंग भी बहुत सुंदर होती हैं। तो आप कहीं भी जाइए, आपको अच्छा ही लगेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे भी अक्सर वही जगह पसंद आती हैं जो कि शहर की चहल पहल से और भीड़ भाड़ से दूर हों। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स क्योंकि दिल्ली में ही रहते हैं अभी, तो मैं इसीलिए वहाँ नहीं जाती हूँ, क्योंकि वहाँ की भीड़ भाड़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो नीचे आप जगह देख रहे हैं, ये है बिरला चुंगी कहते हैं इसे, यहाँ से एक रास्ता जाता है स्नो व्यू की तरफ। और आज मैं आई हूँ स्नो व्यू वाली रोड से, एक रोड ऊपर की तरफ कटती है, ये देखिए यहाँ पे, ये जो रास्ता है ये एक ऐसी जगह पे जाता है जो है तो नैनीताल में ही, लेकिन आपको वहाँ जाके लगेगा ही नहीं कि आप नैनीताल में हैं। एक अलग सी विलेज लाइफ वाली फीलिंग आती है वहाँ पे। और वहाँ पे अभी भी कुछ पुराने घर हैं, एक्चुअली वो जो ओल्ड राजभवन आपको मैंने दिखाया था, उसके आउट हाउसेस थे कभी, तो अभी भी लोग वहाँ पे रहते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको, साथ में बने रहिए। तो देखिए, पेड़ के जस्ट नीचे ये कीड़े मिले हैं मुझे, काफ़ी अजीब सा लग रहे हैं। ये नीचे की साइड जो एक जंगल आप देख रहे हैं, यहाँ से एक
ट्रैक जाता है पैदल कैची धाम की तरफ। कैची धाम आप लोग जानते ही होंगे उसके बारे में, नीम करौली बाबा का आश्रम है जहाँ पे। तो वैसे तो वहाँ तक गाड़ी की सुविधा है, लेकिन जब पहले गाड़ी नहीं चलती थी तो यही पैदल रूट लोग अपनाते थे, यहाँ से पैदल जाया करते थे कैची धाम की तरफ इस जंगल को पार करते हुए। तो अभी भी लोग जाते हैं जो गाड़ी में नहीं जाना चाहते, जिन्हें ट्रैकिंग का शौक़ है वो पैदल यहाँ से कैची धाम की तरफ जाते हैं। लगभग 5 किलोमीटर का शायद ट्रैक है, मुझे अभी श्योर नहीं है। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। तो ये है एंट्री पॉइंट उस जगह का, और यहाँ पे आके बड़ी अलग सी खुशबू आती है, बिल्कुल गांव वाली। तो देखिए यहाँ पे हुआ करते थे आउट हाउसेस, तो अब लोग यहाँ पे परमानेंट रहते हैं। यहाँ से हिमालयाज का व्यू बड़ा अच्छा है, लेकिन अभी पीछे पूरा कोहरा लगा है। ये देखिए, तो देखिए पगडंडियाँ और बड़ी गाँव की सी फीलिंग आती है यहाँ पे। ये है स्नो व्यू की बैक साइड, और यहाँ पे है ये छोटा सा गांव जैसा। और जब यहाँ को पार करके इधर आएंगे तो हम पहुँच जाते हैं स्नो व्यू, ये देख सकते हैं आप। तो देखिए एक बार फिर आज ये मुझे मिल गया है, परसों इसने मेरे साथ वॉक की थी और आज फिर से मुझे ये स्नो व्यू साइड में मिला है और मेरे साथ साथ ही वॉक कर रहे हैं। देखिए बाबा ले कहाँ घूम रहा है। तो ये फ्रेंड्स गुड इवनिंग, मैंने सुबह का वीडियो एंड नहीं करा था, मैंने सोचा था आपको शाम को एक बार नैनीताल की सैर करवाऊंगी और दिखाऊंगी शाम को नैनीताल कैसा हो रहा है। पर इतनी ज़्यादा बारिश थी आज, बहुत ही हद से ज़्यादा बारिश, तो मैं कहीं जा नहीं पाई हूँ। और अभी अभी मैं मार्केट आई हूँ कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि कल मेरा सफ़र है दिल्ली की तरफ। तो अभी फिर आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, दोबारा किसी नए वीडियो में मिलूँगी आपको। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो वीडियो एंड करने से पहले एक बार आपको दिखा देती हूँ नज़ारे।